और खबर यूपी के श्रावस्ती जनपद के इकोना इलाके के सीता द्वार मंदिर से है, जहां पर आज भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आपको बता दें, जहां अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा आयोजित थी, भारी संख्या में देश के विभिन्न कोनों से लोग अयोध्या में पहुंचे थे और भगवान की राम प्रतिष्ठा की गई, प्राण प्रतिष्ठा की गई। उसी अवसर पर इकोना इलाके के सीता द्वार में विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। इसके साथ साथ अन्य कई प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें कंबल वितरण, ट्राई साइकिल वितरण व सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। श्रावस्ती विधायक रामफेरन पांडे के नेतृत्व में कल से यहां पर रामपाठ चालू कराया गया था, जिसका आज समापन हुआ और हवन पूजन के बाद विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। विधायक रामफेरन पांडे ने स्वयं अपने हाथों से लोगों को प्रसाद का वितरण किया। इस दौरान हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। श्रावस्ती जनपद के इकोना इलाके के सीताद्वार मंदिर परिसर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर एक तरफ जहां भंडारे का आयोजन हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें दिव्यांगों को ट्राई साइकिल का वितरण किया गया। साथ ही गरीब व असहायों को कंबल वितरण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। आज देर शाम यहां पर दीप प्रज्वलन कार्यक्रम किया जाएगा, भव्य दीपोत्सव भी मनाया जाएगा। शुभ अवसर पर आप सभी की उपस्थिति वास्तव में अद्भुत है। शुभम भवतु कल्याणम आरोग्यम पुष्टिवर्धनम। इस दौरान जिला अधिकारी कृतिका शर्मा, अपर जिला अधिकारी व उप जिला अधिकारी इकोना तथा अन्य लोग मौजूद हैं, जिनकी मौजूदगी में ट्राई साइकिल का वितरण किया गया। साथ ही भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ, जिसमें आए हुए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुत देकर लोगों को मंत्रमुग्ध किया। श्रावस्ती जनपद के इकोना इलाके के सीता द्वार में इन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ले भैया ले। जब आप जान रहे हैं कि देश राममय हो चुका है, हम लोगों की आस्था जो 500 वर्षों से अधूरी पड़ी हुई थी, आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने अयोध्या धाम में पधार चुके हैं। उनका लोकार्पण और उनका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, हो चुका है। इस अवसर पर क्योंकि ये सीता माई का दरबार है, माँ जगत जननी यहाँ निवास करती हैं, भगवान लव कुश यहाँ पैदा हुए थे,
लव की नगरी है, वाल्मीकि आश्रम है, तो हम लोग अपने अपने क्षेत्र में इससे बड़ा पुनीत अवसर कुछ नहीं मिलेगा कि जो माता जानकी के दरबार में हम लोग जिलाधिकारी महोदय और प्रशासनिक अधिकारियों के पूरे तंत्र के सहयोग से इतना बड़ा भव्यता कार्यक्रम का जो दिया जा रहा है, निश्चित रूप से हमारा जिला प्रशासन भी बधाई का पात्र है, क्षेत्र की जनता भी बधाई की पात्र है, और खासकर मैं अपने आप को धन्य मान लिया, हमारा जीवन धन्य हो गया कि ऐसे शुभ घड़ी में हम लोगों को एक अवसर मिला कि हम लोग उसमें सहभागी बने, भगवान राम के उस प्राण प्रतिष्ठा के एक जीवन की यादगार बने, और हमारा जीवन धन्य हो गया कि इस तरीके से भगवान राम आज अपने अयोध्या नगरी में पूरी तरीके से शोभायमान हो चुके हैं। निश्चित रूप से हमारे विश्व का कल्याण होगा। जो पहले लोग नारा लगाते थे कि घर घर भगवान लहराएगा, राम राज कब आएगा, आज जो साकार हो गया है, आज देखने में बिल्कुल दिवाली जैसा उत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है, आज घर घर भगवान लहराया है और राम राज आया है, ऐसी राम राज की कल्पना ऋषि गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी, वो कल्पना आज हम लोगों की साकार हुई, और धन्य है हमारे जिलाधिकारी, धन्य है मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, जिनके कुशल निर्देशन में कई विभाग को जोड़ करके सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराया, कंबल वितरण का भी कार्यक्रम है, ट्राईसाइकिल का भी कार्यक्रम है, उद्यान विभाग की तरफ से लोगों को बीज देने का भी कार्यक्रम है, कृषि विभाग की तरफ से लोगों को ट्रैक्टर देने का भी कार्यक्रम है, इतना बड़ा कार्यक्रम करके भगवान राम के अनुयायी बन करके हम लोग देश को आगे बढ़ाने में सहभागी बने। नमस्कार। सजा दो अपने।